आज बात एक ऐसी आफत की जिसने आधे हिंदुस्तान की आधी आबादी में जल कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तर प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा इस आफत की चपेट में है। आसमान से जैसे मानो इन दिनों पानी नहीं आफत बरस रही हो। इस बार देश में मानसून ने ऐसी तबाही मचाई है कि देश के कई हिस्सों से संपर्क टूट गया है। वहीं कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जहां देखो वहां बस पानी ही पानी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति रविवार को और गंभीर हो गई। हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा व यूपी में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड व हिमाचल में हुई भारी बारिश के कारण गंगा यमुना में उफान आने से यूपी के वाराणसी व प्रयागराज में किनारे की बस्तियों में पानी भर गया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए थे। इनमें से 5 अभी भी लापता हैं। राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड में 13 लोग लापता हैं। उधर पौड़ी गढ़वाल में रिजॉर्ट में फंसे 29 लोगों को SDRF की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन बल ने राहत अभियान में हेलीकॉप्टर भी लगाए हैं। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे के ऊपर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा धंसने से कुम्हारखेड़ा के पास मार्ग बंद हो गया। राजमार्ग पर आवागमन ठप होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। स्वर्णरेखा और बैतरणी नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 1.2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। और वहीं झारखंड में रामगढ़ में नलकारी नदी में आई बाढ़ में 6 बच्चे बह गए, इनमें से 4 शव बरामद हुए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार लगातार अलर्ट जारी किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात से उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आगरा जिले के लिए इस बीच एक अच्छी खबर है, यहाँ बहने वाली चंबल नदी का पानी अब उतरने लगा है। आगरा में बहा में चंबल नदी का जलस्तर रविवार को भी घटा। 24 घंटे में करीब 4 मीटर घटकर रविवार को नदी 118 मीटर के स्तर पर बह रही थी। पानी घटने से गांव के रास्तों और खादर में दलदल हो गया, इससे लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि कोटा बैराज से छोड़े गए 7.50 लाख क्यूसेक पानी के चलते उफनाई चंबल नदी चेतावनी के निशान 127 मीटर को पार कर 128 मीटर पर पहुंच गई थी, जिससे बहा के 10 गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। शुक्रवार और शनिवार को गिरावट के बाद 122 मीटर रह गया था। रविवार को 4 मीटर जलस्तर और कम हो गया। पानी घटने से मऊ की मड़ैया, गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा, गुड़ा, रेहा, क्योरी, बीचकापुरा, झरनापुरा, पुराटाल, डगोरा के रास्ते खाली हो गए, लेकिन इन पर कीचड़ और दलदल भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंची चंबल नदी में पिनाहट और मुरैना के बीच उसैत घाट पर स्टीमर का संचालन बंद कर दिया गया था। इससे मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा के अलावा बाहर क्षेत्र के लोगों को मुरैना क्षेत्र में आने जाने के लिए धौलपुर का चक्कर लगाना पड़ रहा था। अम्बाह के नदी किनारे के गांव के लोग पिनाहट का बाजार करते हैं, जिससे दोनों इलाकों के 100 से ज्यादा गांव के लोग प्रभावित थे। रविवार को पानी घटने पर स्टीमर का संचालन शुरू हो गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। चंबल नदी के उफान के पानी में 38 गांव के खेतों में बाजरा, तिल, तोरई, लौकी, टिंडे, मिर्च की फसलें डूब गई। फसलें नष्ट होने से चिंतित किसानों ने प्रशासन से नुकसान के आंकलन और भरपाई के लिए मुआवजे की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। वहीं शनिवार को यमुना नदी का पानी 2 फुट घटा था।
रविवार को यमुना फिर बढ़ने लगी, जिससे वहां के नदी किनारे के 33 गांव के कछार के खेतों में पानी भर गया। बीहड़ से जुड़ने वाले नदी के रास्तों पर भी पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश में नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ यमुना हो या गंगा, इन दिनों सभी विकराल रूप में है। ये दोनों ही नदियां या तो अपने किनारे तोड़ चुकी हैं या तोड़ने को बेताब हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में गंगा यमुना समेत कई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा उफान पर है। कई शहरों में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर बढ़ गया है। प्रयागराज में गंगा से सटे रिहायशी इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया है। तटवर्ती आबादी वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज के अलावा वाराणसी में भी गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। कई जगह निचले रिहायशी इलाकों में नदी का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने से प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए बलिया तक में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 4 दिनों में करीब 6 मीटर जल स्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी 84 घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के ऊपर भारी खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर बरसात लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अभी अपना यह रूप जारी रखेगा, तो यह बात जान लें कि घर से निकलने से पहले मौसम विभाग की जानकारी जरूर पढ़ लें और हो सके तो बहुत जरूरी होने पर ही कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएं। लेकिन इन दिनों पहाड़ों का रुख ना करें तो ही बेहतर होगा। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।